वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। मिस रेहाना एक छोटे से शहर के प्राइमरी स्कूल में क्लास पंजुम की उस्तानी थीं। उनकी एक आदत थी कि वो रोज क्लास शुरू होने से पहले अपने शागिर्दों से मुखातिब होकर कहती, तुम सब मेरी आंख के तारे हो। मगर वो जानती थी कि ये सच नहीं है। वो ना तो क्लास के तमाम बच्चों से यकसां प्यार करती थी और ना उन्हें सब बच्चों पर नाज था। सच तो ये था कि मिस रेहाना की क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो उन्हें एक आंख नहीं भाता था। उस बच्चे का नाम उबैद था। उबैद रोज मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे हुए और जूतों के तस्मे खुले हुए होते। कमीज के कॉलर पर धब्बे, ऊपर से क्लास के दौरान उसका ध्यान हमेशा कहीं और होता। मिस रेहाना के डांटने पर वो चौंक कर उनकी तरफ देखने तो लगता, मगर उसकी खाली आंखों से साफ पता चल जाता कि वो जिस्मानी तौर पर तो क्लासरूम में मौजूद है मगर उसका दिमाग गैर हाजिर है। मिस रेहाना उबैद के इस रवैये से चिढ़ चुकी थी। ये रोज का मामूल बन गया था कि मिस रेहाना की क्लास में दाखिल होते ही उबैद उनकी सख्त तनकीद का निशाना बनता और हर बुरी मिसाल उबैद से मंसूब की जाती। बच्चे भी उस पर हंसते और खूब मजाक उड़ाते। उबैद आगे से कभी कुछ नहीं कहता, मानो जैसे कोई बेजान पत्थर हो जिसमें एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। हर डांट, तंज और सजा के जवाब में वो बस अपनी जज्बात से आरी नजरों से मिस रेहाना को देखता रहता या अपना सर झुका लेता। इस ढिटाई पर मिस रेहाना को बहुत गुस्सा आता। जब पहला सेमेस्टर खत्म हुआ तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाने का वक्त आया। मिस रेहाना ने उबैद की रिपोर्ट में उसकी सारी बुराइयां लिख डाली। वालदैन को भेजने से पहले सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मिसेस जमील को दिखाई जाती थीं। उन्होंने जब उबैद की रिपोर्ट देखी तो मिस रेहाना को बुलाया और पूछा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नजर आनी चाहिए, है ना मिस रेहाना? ऐसे तो उबैद के घर वाले बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएंगे। आई एम सॉरी मिसेस जमील, बट उबैद इज अ होपलेस केस। वो बहुत बदतमीज और निकम्मा बच्चा है। मेरे पास उसकी प्रोग्रेस के मुतालिक लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मिस रेहाना ने साफ साफ कह दिया और वहां से चली गईं। अगले दिन मिसेस जमील ने अपनी असिस्टेंट के हाथों उबैद की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स मिस रेहाना के टेबल पर रखवा दी। जब मिस रेहाना स्टाफ रूम में दाखिल हुई तो उनकी नजर रिपोर्ट्स पर पड़ी। जब उन्होंने फाइल्स को उलट पलट कर देखा तो सोचा, उबैद ने यकीनन पिछली जमातों में भी यही हरकतें की होंगी। उन्होंने क्लास सोयम की रिपोर्ट उठाई और पढ़ना शुरू की। खिलाफ तवक्को प्रोग्रेस रिपोर्ट उबैद की तारीफों से भरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, मैंने उबैद जैसा जहीन बच्चा आज तक नहीं देखा। उबैद बहुत हसास बच्चा है, हर वक्त किताबों से घिरा रहता है, अपने दोस्तों और असातजा से बहुत लगाव रखता है और उसने इस सेमेस्टर पहली पोजीशन हासिल की है। ये रिमार्क्स पढ़कर मिस रेहाना को बहुत हैरत हुई। उन्होंने गैर यकीनी की हालत में क्लास चहारुम की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, उबैद ने अपनी वालदा की बीमारी का बहुत गहरा असर लिया है, उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही है। उबैद की वालदा को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है, घर पर और कोई उसका ख्याल रखने वाला नहीं है। आखिरी सेमेस्टर के कॉलम में लिखा हुआ था कि उबैद की वालदा का इंतकाल हो गया है और उनके साथ साथ उबैद की जिंदगी की रमक भी चली गई है। इस वक्त उबैद को संभालने की जरूरत है, इस सदमे से निकालने की जरूरत है, वरना हम इस मासूम बच्चे को खो देंगे। ये पढ़कर मिस रेहाना पर रिक्कत तारी हो गई। कांपते हुए हाथों से उन्होंने फाइल बंद की और कुछ देर वही खामोश बैठी सिसकियां लेती रहीं। ब्रेक के बाद जब वो क्लास में गईं तो उन्होंने हस्बे मामूल बा आवाज़े बुलंद वही जुमला दोहराया, तुम सब मेरी आंख के तारे हो। मगर वो जानती थीं
कि वो आज भी सच नहीं बोल रही, क्योंकि उस क्लास में बिखरे हुए से बाल लेकर खामोश बैठे एक बच्चे के लिए जो ममता वो आज अपने दिल में महसूस कर रही हैं, वो और किसी के लिए हो ही नहीं सकती थी। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।